रिटायर मनीष कश्यप पर आया बड़ा फैसला। क्या मनीष कश्यप पर लगा NSA हटाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। मनीष की ओर से की जाएंगी 3 मांगे। तमिलनाडु की जेल में बंद पत्रकार मनीष कश्यप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जेल में बंद पत्रकार मनीष कश्यप के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा था कि मनीष कश्यप पर NSA क्यों लगाया गया है, जिसके जवाब के लिए तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट से समय मांगा था। आज तमिलनाडु सरकार की ओर से काउंटर एफिडेविट फाइल किया जाएगा। आपको बता दें कि आज की सुनवाई में मनीष कश्यप की ओर से 3 मांगे की जाएंगी। पत्रकार मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार से लेकर तमिलनाडु तक कई मामले दर्ज किए गए हैं। पहली मांग में सभी केसों को एक साथ क्लब करने की मांग की जाएगी। दूसरी मांग में मनीष कश्यप को रेगुलर बेल देने और तीसरी मांग में तमिलनाडु सरकार की ओर से लगाए गए NSA को हटाने की मांग की जाएगी। इससे पहले 28 अप्रैल को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई में तमिलनाडु सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा था। पिछली सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार के एडवोकेट ने कहा था कि एक दिन पहले ही एक अमेंडमेंट पिटीशन फाइल मिली है, इस कारण काउंटर एफिडेविट बनाने के लिए समय दिया जाए, जिसकी अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई की तारीख तय की थी और आज तमिलनाडु सरकार के एडवोकेट काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे। बिहार के मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में बिहार पुलिस की ओर से मनीष कश्यप के खिलाफ FIR दर्ज थी। कृपया हमारी वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।